हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो कल आबू धाबी से आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी तो सुबह थोड़ा लेट से उठे। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है यार, ईमेल पे ईमेल आए जा रहे हैं। कल भी एक और ईमेल आया, वो भी फेक मेरे भी आया है ना। मेरे को भैया कुछ मतलब एक आइडिया हो गया है, वो आप लोग सुन लो। कोई भी मेल आए ना जिसमें भैया यूज़र की फ़ोटो ना हो, ठीक है ना, कंपनी का नाम लोगो ना हो और उसमें लाल और हरा रंग से लिखा हो, तो भैया वो फेक ही है ना। ये तो अच्छा है कि गूगल में रिव्यू का मालूम चल जाता है। और आप लोग भी कमेंट करके बताओ, जो लोग भी मेरे भाई लोग दुबई में काम वाम ढूंढ रहे हैं ना, तो उनके साथ भी ये सेम एक्सपीरियंस है कि नहीं है। भैया जब से देख रहे हैं ना, फेक 10 से ऊपर हो गया। मतलब अब तो जो मतलब सही भी आएगा ना उसमें समझ में आएगा आदमी को यार रियल है कि फेक है। और ये देखो भैया, आज का मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है। और ये हमारे पवन भाई, तूने कल से एक ही कपड़े पहने। और भाइयों आप सबका थैंक यू कि आप लोग ना हमें मोटिवेट करते हैं साथ में। और आपको मैं बहुत जल्दी रिवील करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे ना खास क्या करने के लिए आया हूँ। और भाई तेरे को भाई बोलते हैं काम वाम में थोड़ा ध्यान दे, ठीक है ना। काम मिले तभी तो ध्यान देंगे, मेहनत तो कर ले। मेहनत क्या करें, चल तो रहे हैं, मेहनत चल रहा है यार, बच्चा का चल रहा है। बस ये कहते हैं ना कि किस्मत कभी साथ नहीं दे रही है और जो लिखा होगा अच्छा लिखा होगा। अच्छा तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए, घर के पास ही सारा सेंटर है, वहाँ पे जाएंगे और दो तीन मार्केटों में सीवी डलवाते हैं आज। अच्छा दोस्तों, ट्रैवलिंग का बहुत फ़ायदा देखा मैंने। कल क्या हुआ, हम बस में बैठे थे तो ऐसी बातचीत हो रही थी। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा जब हम अबू धाबी गए, तो जब अपना अपना सब लोग ना इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो पवन ने भी दे दिया कि भाई विजिट वीज़ा में आया हूँ, काम वाम ढूंढ रहा हूँ। तो दो तीन लोगों ने सीवी मांग ली भाई हाथों हाथ, है ना, विश्वास नहीं हुआ ना मैं। तो बोला कि काम बोला डट के कि भैया हम बिहार से हैं, विजिट वीज़ा पे आए हैं और नौकरी ढूंढ। भाई घबराओ मत, जो कुछ बोले नौकरी ढूंढने आए, हाँ मैं ढूंढने आया हूँ, अच्छा काम चाहिए मेरे को, वो भी 40 आदमी के बीच में। तो भैया सीवी फिर हमने दे दी तो अच्छा लगा। मतलब और कुछ भी जो नया नया एक्सपीरियंस हमारे साथ हो रहेगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों ये जो मॉल है ना सारा वाला, ये मॉल अपने घर के पास ही है। तो पवन भैया इसी में जाना है अभी हमने, तूने जाना है और ईमेल आईडी वगैरह पता करनी है, ठीक है ना। हाथ में लेके चलते हैं और कोशिश करो सीवी दे दियो, और कोई नहीं लेगा ना तो इसकी ईमेल आईडी ले लियो। तो दोस्तों ये मैं आपको बोलता रहा हूँ कि घर के आसपास मॉल वॉल है ना तो निकल जाओ भैया, पता करो। पवन जितनी भी दुकानें देख रहे हैं ना, हंस क्यों रहे? देखो देखने नहीं आया, इन दुकानों में चलते हैं। तू आधी दुकानों में जा, आधी दुकानों में मैं, और फटाफट से ईमेल आईडी लेते हैं, ठीक है। इसमें सैमसंग देगी, सारी इलेक्ट्रॉनिक वाली शॉप है ना। हाँ सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सैमसंग जम्बो सब इलेक्ट्रॉनिक वाली, मोबाइल का काम मतलब बेचना है, सेल्स वाला काम है ना, ले देंगे। चलो तो दोस्तों मॉल घूमने की अच्छी बात भैया, कभी कभी ना फ्री सैंपल मिल जाता है। हाँ भैया अमृत है ना, बढ़िया है ना। मुझे ना भाई ये खीर लगी तो चलो भैया फ्री में सैंपल मिल गया, थोड़ा सा पेट भरा। ऐसे मॉल घूमेगा ना बहुत कुछ मिलता है भाई यहाँ पे फ्री में, फ्री सैंपल। तो मॉल में गए, दो तीन जगह सीवी ली, सीवी दे दी, बाकी ईमेल आईडी वगैरह इसने लिख ली है। और यार मेरे को एक कमेंट आया था जो मुझे कह रहा था कि भाई कंस्ट्रक्शन लाइन में ना लोग विजिट में आते हैं और विजिट में काम करते हैं, और अगर नॉलेज ही नहीं है तो नॉलेज मत दो, मतलब मुझे कह रहा था। तो भैया मैं कहना चाहूँगा ना, ऐसी जो मासूम लोग हैं ना भाई, उनको विजिट वीज़ा में फंसाया जाता है। हम लगभग रोज़ 5-6 लोगों से मिलते कि नहीं मिलते हैं। मिलते हैं जो कोई कोई यहाँ पे 50 साल गुजारे हुए आदमी से मिलते हैं, जो हमें बताते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है यहाँ। और जो हम मिलते हैं ना विजिट वीज़ा में काम लोग कर रहे हैं उनको निकाल देते हैं भैया। जो लोग मतलब बोलते हैं ना आ जाओ दुबई नौकरी दिलवा देंगे, ये सब करवा देंगे भैया, उनमें दिल नहीं होता है, ठीक है ना। दिल होता है तो है ना, तो आदमी को अच्छा काम दिलाते, सैलरी टाइम पे दिलवाते, फैसिलिटी देते हैं वो, ना कि उसी आदमी के वीज़े पे तुम काम कराओ और फिर पिछवाड़े पे ना लात मार के निकालो। आज मेरा मूड वैसे भी थोड़ा सा हाई हो रखा है, ठीक है ना, आज कमेंट में पढ़ रहा था। तो भाई हेल्प होती है ना, मुझे पता है कि भाई पैसा इम्पोर्टेंट है, पैसा भी कमाओ पर दूसरे को ना काम दिलाओ। टीवी वगैरह डाल के आ गए थे और आज मन किया कि भैया सिर्फ सिंपल खाना खाने वाले हैं, दाल और चावल, दाल और चावल खाने वाले हैं। और
बस अभी फटाफट से कुकर में लगाते हैं सीटी। और आज यार मैं आप लोगों से ना खास कर कुछ बात करना चाह रहा हूँ। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों से बात कर ही जाए, तो आज कर ही लेते हैं यार, ठीक है ना? क्योंकि आज थोड़ा सा मूड भी ना मेरा थोड़ा सा ऑफ सा हो रखा था, तो पहले फटाफट से लगाते हैं सीटी और बात भी करेंगे और खाना भी बनाएंगे। एक कहानी सुनना चाहेगा छोटी सी? सुनाओ, जरूर सुनेंगे। तो असल में क्या होता है ना, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि दुबई में कौन किसका रिश्तेदार है, सबके रिश्तेदार होते हैं सबके, मतलब किसी ना का कोई ना कोई तो होता ही है। तो ऐसे ही मैं भी भाई किसी ना किसी का रिश्तेदार हूँ। और आपको मैंने बताया है कि दुबई में भैया हम भी अपने दीदी और जीजाजी के थ्रू आए हैं। और कई बार भाई हमेशा ना ये सुनने को मिलता है कि हम लोग एयरपोर्ट में आए और हमें कोई लेने नहीं आया, फिर हमने खुद से स्ट्रगल करी और हमारे काफ़ी बार कोई रिश्तेदार थे, हमने पैसों की हेल्प मांगी तो किसी ने हमारी हेल्प की नहीं। ये बहुत सारी कहानियाँ मतलब सुनने को मिलती है। तूने कभी सुनी अपने लाइफ में ये वाली कहानी, रिश्तेदार वाली? हाँ, कि दुबई में हमारे रिश्तेदार थे पर हमारी हेल्प नहीं करी ये वो सो। अरे हमारी तो भैया इंडिया में नहीं करी तो यहाँ क्या करेंगे? पर मैं ये बताऊँ वो सही करते हैं, मतलब ना किसी की मदद ना मैं तो बोलूँ यार आज के टाइम में करो ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया मतलब अब मैं लाइफ के ना ऐसे मोड़ में हूँ जहाँ एक टाइम पे अगर आप मेरे पहले के ब्लॉग देखेंगे ना, हमारी बड़ी दोस्ती आ रही थी यार, बहुत ज़्यादा बहुत हमारे दोस्त यार थे। बट आजकल ना मतलब ऐसा हो रहा है दिन भर दिन ना जो दोस्तों की संख्या है ना वो घटते 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 जा रही है। सच्ची बात बता रहा हूँ, आज वाकई में बड़ा मूड ऑफ है तो दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बोर लगे तब भी देखो भैया। तू क्या कर रहे हैं? मैं भी बोल रहा था तो बर्तन धो रहा हूँ। चल भाई तू तो अभी देखो दोस्तों, मैं पवन को लाया, ठीक है ना? सो ऑन इसकी जॉब लगी, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लगेगी पूरी एफर्ट करेंगे। बट मुझे नहीं पता कि इन फ्यूचर ये मेरे से बात करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि तो यार मैं मतलब अपना इस चीज़ से फेड अप हो चुका हूँ। मतलब कई बार कई लोगों के लिए बहुत एफर्ट लगा लिया पर बाद में यार लोग ना मतलब ऐसे इग्नोर मारते हैं कि भैया आप हो कौन। ये सच बात बता रहा हूँ। एक जब मैंने आपको बहुत पहले बताया था ना मुझे एक दोस्त की ज़रूरत थी, तो दोस्त ने मदद करने से मना कर दिया था। उसने मुझे जो लव बोला ना भाई सॉरी यार, कि यार मैं मेरी गलती थी, सॉरी बोला, सॉरी गलती थी, मैं तेरा रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं तेरे से बात नहीं कर पाया। सोचो दोस्तों अगर मैं वही सॉरी शब्द जब वो एयरपोर्ट में खड़ा था, जब मैं उसको लेने जा रहा था, जब उसके लिए मैंने कमरा वगैरह ढूंढा था, उस समय अगर मैं ये सॉरी शब्द बोलता तो कि यार भाई सॉरी यार, कि यार सॉरी यार भाई मैं तो यार एयरपोर्ट आ नहीं पाया, रुक जा मैं 2 दिन बाद आता हूँ। कई लोगों ने तो भैया हमारी स्टोरी देखने के बाद 2-3 के दिन के बाद वो भी अपने काम से मैसेज किया, और कई लोगों ने तो भैया सीधा कांटेक्ट करने बंद कर दिया। तो कितना आसान लगता है ना सॉरी शब्द। कल के दिन हमें पवन बोलते हैं सॉरी विक्रांत भाई मैं तो बिजी हूँ थोड़ा सा, हो नहीं पाएगा। या कभी हमने पवन से 500 रुपये ले लिए तो पवन बोले कि यार सॉरी यार विक्रांत भाई नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि लाइफ का कड़वा सच है कि नहीं है, मतलब किसी की मदद हमें करनी चाहिए, करके क्या हमें कुछ उससे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि नहीं यार चलो हमने अपना फ़र्ज निभा दिया और हो गया। प्लीज़ यार दोस्तों कमेंट करके बताना। और आज ना बस दाल चावल ही खाएंगे और आज ज़्यादा ब्लॉग करने का मन भी नहीं हुआ, गए भी नहीं, कल जा रहा हूँ एक नई शुरुआत करने के लिए। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा और जितना प्यार आप लोग करते हैं, सच्ची बताऊँ भाई अपनों से ना बढ़िया भैया अपने जो रिश्तेदार होते हैं ना उनसे बढ़िया भैया मैं सोचूँ कि भैया मैं आप लोगों से अपने दुख शेयर कर लूँ, वाकई में यार मन हल्का होता है। खैर दोस्तों इस ब्लॉग को आज यहीं एंड कर रहे हैं, ठीक है ना? मूड ठीक नहीं है, कल बात करेंगे सुबह उठ के। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।